पॉइंट नंबर वन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी से भूतपूर्व जो सांसद हैं सदस्य हैं उनको पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? 1976 ईस्वी से 1976 ईस्वी से पेंशन व्यवस्था भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए लागू की गई। 1976 से ये पेंशन व्यवस्था भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में दो बार सेशन जरूरी होते हैं। लोकसभा में दो सत्र होना जरूरी है वर्ष में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर, एडवाइज पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में वित्तीय जो बिल है, फाइनेंस बिल जो है, वो लोकसभा में ही पारित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। वित्तीय बिल भी लोकसभा में पास किया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही पहले लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर एट, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नाइन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।